भाई एक तो थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पूरी जगह पड़ी है, पता ना बिल्कुल एकदम बिछ हो रहे हैं जैसे मधुमक्खी छत्ता पर चुपट जाए, बहुत जगह है। और पीछे हो जाओ ना पूरा ऐसे, पल्लड़ और भी आ जाएंगे, नमस्कार, मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट के ऑफिस में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ कुछ प्रदर्शन धरना प्रदर्शन कार्यकारी करता बैठा है। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति अध्यक्ष मास्टर स्वराज संघ द्वारा संचालित किया जाए। आइए जानते हैं उनसे धरने का कारण। आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है, रहुपुरा थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में एक मेहंदीपुर गाँव पड़ता है, जहाँ पेड़ से दिव्यांग लड़का है आरिफ पुत्र आसू। उन्होंने गांव में चंदा करके एक पुलिया बनाई थी, पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसके साइड में करवट में श्रमदान करके मिट्टी डालनी थी। अपने खेत से फावड़े से भर के एक ट्रॉली मिट्टी ला के खिला दी थी, दूसरी ट्रॉली वो भर के ला रहा था, तो एक धर्मवीर नाम के दरोगा ने अपनी फोर्स के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गए। और इसने मुझसे बात करानी चाहिए तो इसको गाली भी दी। हमने वहाँ के कोतवाल को बताया तो वो बोला खनन कर रहा है। मैंने कि भाई ये श्रमदान कर रहा है, रास्ते के लिए मिट्टी ला रहा है और निस्वार्थ भाव से गांव के लिए मिट्टी ला रहा है, तो इसमें कोई एक दो ट्रॉली में खनन नहीं आती है मिट्टी में। उन्होंने जाके उसको खनन में बंद कर दिया और मिट्टी को बालू में तब्दील कर दिया, जबकि पुलिया भी मौके पे है, खेत भी मौके पे है, वो जो ट्रैक्टर थाने में खड़ा है उसमें मिट्टी भी मौके पे है और जो एक ट्रॉली मिट्टी खलाई गई थी वो भी मौके पे है, सारे सबूत मौके पे हैं, लेकिन पुलिस मिट्टी को बालू ही बता रही है, मिट्टी मानने को तैयार नहीं है। असली मामला ये है, जबकि ड्राइवर को साथ ले गए थे थाने तक, अपंग है, दिव्यांग है और फिर भी उसको फरार बता रही है पुलिस। इतनी छोटी सी बात का मुद्दा बनाया जा रहा है तो पुलिस उसकी जांच क्यों नहीं कर रही है कि मिट्टी है बालू है, जांच करें। चूंकि इन्होंने थाने पे माथा नहीं टेकते हैं, जो माथा टेकता है वहाँ खुली खनन कर रहा है, बालू की भी और मिट्टी की भी, खुला खेल फरक्काबादी हो रहा है। जेबरी का सांप सांप की जेबरी कैसे बनाया जाता है ये रोपरा थाने से सीखा जाए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। आपके विधायक ने आपको इसमें कोई सपोर्ट किया? आप बोले कि वहाँ खनन होता है तो उसके तो संज्ञान में होगा कि नहीं? कोई किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं है, सारा प्रकरण सारा मामला उनके संज्ञान में है, लेकिन कोई किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है। पुलिस का रहुपुरा थाने में नंगा नाच है। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है कि इसको कैसे इंसाफ मिले? इसकी मजिस्ट्रेट जाँच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, पुलिया पे जो एक ट्रॉली मिट्टी खलाई गई है उसकी भी जाँच हो, जहाँ से खेत के लाए वहाँ की भी जाँच हो, और जो थाने में ट्रैक्टर में जो मिट्टी भरी पड़ी है उसकी भी जाँच हो। बात करते हैं जिनके साथ यह घटना हुई है, किस प्रकार की घटना आपके साथ हुई है? जी मेरा नाम आरिफ है, मैं ग्राम मेहंदीपुर का रहने वाला हूँ। हमने सबके सहयोग से एक पुलिया बनाई थी और पुलिया पे बनाने के बाद में उस पर मिट्टी डालने की आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे गांव में बम्बे का पानी आ जाता है और एक बार नहीं कई बार आ चुका है, प्रशासन खुद जानता है, लेकिन उन्होंने तो बनाई नहीं, हमने मजबूरी में खुद को बनानी पड़ी, क्योंकि हमारे फसल का टाइम आ रहा है, गेहूँ की कटाई बस कुछ ही टाइम बाकी है, दो चार दिन का गेहूँ की कटाई होने वाली है, फिर हमें बहुत अनाज लाना है वहाँ से, तो इस वजह से हमने अपने पैसे से पुलिया बनाई और पुलिया बनाने के बाद हमने वो जब तैयार होगी तो उस पर मिट्टी डालने के लिए हम खेत से एक ट्रॉली मिट्टी डाल चुके हैं उस पर, जो आज भी वहीं पड़ी हुई है, और उसके बाद में दूसरी ट्रॉली में लेने गया था, तो उसके बाद में ये जो हमारे द्रबूपुरा थाना लगता है उसमें दरोगा धर्मवीर सिंह ने मुझे पकड़ लिया और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी और मुझे पकड़ के ले गए थाने के लिए। आपको क्यों पकड़ा, किस आरोप में आपको पकड़ा? वो खनन में मुझे बता रहे हैं, वो रेती बता रहे हैं, मतलब लेकिन आप तो मिट्टी लेके आए हो तो फिर रेती ट्रॉली में अभी भी मौजूद है ना, जो खली हुई है मौके पे वो भी मौजूद है इस वक्त में। तो आपने जांच की मांग की कि आप जांच कीजिए? हाँ जी, जांच की भी मांग करा रहे हैं हम इनसे अब कह के। तो क्या सहयोग मिला है पुलिस की ओर से आपको? पुलिस की ओर से देखो जी, अब ये तो हमारे किसान यूनियन के जो नेता जी हैं ये बताएंगे, इतनी तो मुझे जानकारी नहीं है कि कितनी सहयोग कर रही है पुलिस, लेकिन ये है जरूर है कि इंशाल्लाह उम्मीद हमें है कि हमें इंसाफ मिलेगा, प्रशासन से ही उम्मीद है। तो ये थे हमारे साथ पीड़ित, जिन्होंने अपनी घटना आप बीती हमको सुनाई। अब उम्मीद करते हैं प्रशासन इनको सहयोग करेगा, न्याय दिलाएगा। मैं मेघा राजपूत अपने कैमरामैन सहयोगी विनय कुमार श्रीवास्तव के साथ 10 न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।